किया है कि एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृहमंत्री थे पी चिदंबरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृहमंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं, कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000, तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है, लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है, ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। तो इसलिए जासूसी में उन्होंने अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो सीताराम येचुरी वामपंथी नेता हैं, जयललिता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके फोन टेपिंग ये उन्होंने कराई, इनकी शिकायतें रही हमेशा। जब न्यूक्लियर डील था उस समय अमर सिंह की फोन टेप कॉल्स ये उन्होंने कराई है, अमर सिंह ने खुलकर शिकायतें की कि मेरे फोन कॉल्स को टेप किया जा रहा है। तो ये इनकी संस्कृति रही है, इस संस्कृति से बाहर नहीं निकले हैं। और जब भी कोई, इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है, इस टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला है, जनता हित की राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार चल रही है, और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। यानी अब ये अगर हम पेगासस देखें तो एक दिन पहले 18 तारीख को एक स्टोरी ये लीक कराई जाती है द वायर के माध्यम से, और ये द वायर भी ये वामपंथी पत्र है, वामपंथियों का एक इस प्रकार का एक बना हुआ है नक्सस। और उससे पहले कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर एमनेस्टी नाम की जो संस्था है वो अपने वेबसाइट के ऊपर कहानियों को चलाती है, एमनेस्टी ने वहां से छापा, यहां वायर ने पकड़ लिया और वायर ने उठा करके ये विषय उड़ा दिया कि यहां तो पता नहीं कितने लोगों की सारी फोन टेपिंग हो रही है और उनके मंसूबे जो किए जा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है इनके फोन टेपिंग करने की, क्योंकि तो बिना फोन टेपिंग ही जनता में जो बोल देते हैं वही इतना हास्यास्पद होता है कि उसी का जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमको इनके अंदर की बातें ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं है, ये बहुत कुछ वैसे ही बोल जाते हैं। और इस सारी स्टोरी की सत्यता तो ऑथेंटिसिटी तो हम इस बात से दान कर सकते हैं, ये एमनेस्टी संस्था ये इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल संस्था की अपने जो उनके जिसको कहना चाहिए उनकी अपनी विश्वसनीयता उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एमनेस्टी जब भी भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं
आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ। तो इन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने के बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरी लग जाओ, और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है।